चलो खेतों का काम तो सब खत्म हो गया, अब स्कूल के लिए निकलता हूँ वरना लेट हो जाएगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ KTM बाइक ले लूँ, आजकल की निबियो को बहुत ज्यादा पसंद है। अरे ये क्या हो गया, टायर फट गया। अरे धन्नो तू तो बुरा मान गई यार, अब मैं स्कूल पे टाइम से नहीं पहुँच पाऊंगा और अगर टाइम से नहीं पहुँच पाया तो सर मुझे क्लास के बाहर निकाल देंगे, इससे अच्छा है मैं आज स्कूल ही नहीं जाऊंगा। अरे जादू देखना, आदम पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा प्रो प्लेयर बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। आदम चाचा हमारा नाम ग्लोबल में लाएंगे। ताऊ एक दो जादूगर दे दो, आज ही रीजन टॉप कर लेता हूँ। अरे बेटा आदम तू यहाँ क्या कर रहा है, स्कूल नहीं गया? अरे ताऊ वो आज बाइक का टायर फट गया इसीलिए नहीं गया। नहीं बेटा पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है वरना लड़की वाले लड़की नहीं देते। ताऊ पर मैं अब स्कूल कैसे जाऊँ? अरे ताऊ हुक्म करो, अभी आदम सासा को स्कूल छोड़ के आता हूँ। ठीक है मकबूल, आदम बेटे को स्कूल ड्रॉप करके आओ। अरे ठीक से आदम चाचा बैठ जाओ अपने उड़न खटोले में। अरे मकबूल भैया पहले स्कूल मत लेना, पहले नदी किनारे लेना, वहाँ से हिप्पो को पिक करना है स्कूल के लिए। ठीक से। बाबू मोसाय आदम अभी तक क्यों नहीं आया, साला उसकी वजह से मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। अरे आ गए, अब जल्दी से बैठ जा उड़न खटोले में। चलो मकबूल भैया जाने दो, वैसे भी अब स्कूल के लिए लेट हो रहे है। सुनो नुबड़ो मैं इस क्लास का मॉनिटर है, मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंस मांगा। ओके ब्रो। ब्रो होगा ठेरा चाचा, मेरे को सभी लड़के भाव बुलाएंगे और लड़की या बाबू। ठीक है भाव, ये लो हमारे माननीय सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों बैठ जाओ। सर हम खड़े ही कहाँ हुए थे, जो बैठ जाए। चुप नुबड़ो, फालतू की बकवास मत करो, चलो मैं अब सबकी अटेंडेंस लूंगा। चलो रंग बेरंगी टटियो और क्रिमिनल्स प्रेजेंट सर। सकुरा और सकुरी प्रेजेंट सर। स्काइलर और डायनासोर ओए प्रेजेंट ओए। बदमाश गैंग प्रेजेंट सर। हिप्पू आदम। अरे वो नुबड़े आज नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने नीचे मेरे आदमियों को खड़ा किया है। चलो मकबूल भैया मैं चलता हूँ। ठीक से आदम सासा अपना ध्यान रखना। आदम नहीं आया क्या? अरे प्रेजेंट सर आ गया। अरे तुम्हारा दोस्त हिप्पू किधर है? अरे बाबू मोसाई सर आ गया प्रेजेंट। ठीक है जाओ बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। चलो बच्चों तो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सीक्रेट टिप्स ऑफ वन टैप। अरे यार मेरा प्लान फेल हो गया। अरे आदम सासा क्या ही एंट्री मारी है आपने तो। तो बच्चों अगर आप रैंक खेल रहे हो और आपके सामने एनिमी आ जाए तो आपको उसके सामने एम करना है और उसे पास आने देना है। वो अगर लड़का हो तो उसे वन टैप मार देना है और अगर लड़की हो तो टीम अप करना है और अपनी सारी लूट ड्रॉप कर देनी है और उसे बोलना है हाथ से मेरी सारी लूट और मेरा दिल तुम्हारा है। फिर उसे इमोट दिखाना है, अगर वो भी सामने इमोट दिखाए तो समझ लेना मामला सेट है। फिर आपको उससे उसका नाम पूछना है और अगर उसका नाम एंजल प्रिया हो तो जल्दी से उसे वन टैप मार देना है क्योंकि वो लड़की के भेष में भेड़िया है। तो सब कुछ समझ गए ना बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो सर एवरीथिंग इज क्लियर। ओके तो चलो सभी बच्चे अपना होमवर्क निकालो और जिसने नहीं किया वो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। वन टैप मार देगा, होमवर्क तो हमने किया ही नहीं। अरे चिंता मत कर हम बच जाएंगे, बस हमें खड़े नहीं होना है। सर होमवर्क चेक नहीं करेंगे, बस जो खड़े हैं उन्हें सजा दे देंगे। सर हमने आज होमवर्क नहीं किया है, हम भूल गए सॉरी। अरे कोई नहीं बच्चों, तुम लोगों ने सच बोल दिया ये मुझे अच्छा लगा। और अब जो बैठा है उनका होमवर्क मैं चेक करूंगा, अगर नहीं किया होगा तो सीधा लॉबी में भेज दूंगा। अरे सासा ये तो फंस गए, अगर खड़े हो जाते तो बस जाते। और जो बैठे थे उनमें से मुझे कोई भी मिल गया जिसने होमवर्क नहीं किया तो बहुत पीटूंगा। सर मैं आई गो टू टॉयलेट, इमरजेंसी है। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक पड़ेगा तब जाना। हिप्पू अपना अलार्म बजा। देख लो सर इमरजेंसी है, फिर क्लास का एनवायरनमेंट बिगड़े तो मुझे मत बोलना। ठीक है चला जा यहाँ से नूबड़ी के। अरे सासा तो मुझे फंसा के सड़े गए सिमकांडी कहीं का। चलो सब अपनी अपनी होमवर्क वाली बुक्स बाहर निकालो, मैं चेक करने आ रहा हूँ। अरे यार मैं बुक तो याद से लेके आया था पर अभी क्यों नहीं मिल रही। सर ये नूब मॉनिटर ने अपना होमवर्क नहीं किया है। बेटा क्या ये बात सच है? नहीं सर किया है पर बुक नहीं मिल रही। अरे बहाने बना रहा है सर ये। चल जल्दी से बुक ढूंढ। हां सर ढूंढ रहा हूँ दो मिनट। सर अगर इसकी बुक ना मिले तो इसे बहुत पीटना क्योंकि ये आपको बुद्धू बना रहा है। अरे सर डायमंड की कसम यार मैंने किया है पर मिल नहीं रहा है। देखो सर झूठी कसम खा रहा है वो भी डायमंड की। नालायक मॉनिटर होके होमवर्क नहीं करता है। और लाल टटी तू कब से उछल रहा है, चल तेरा होमवर्क दिखा। ये रो सर पूरा कंप्लीट किया है, ईमानदार आदमी पे शक करते हो। अरे बेटा शाबाश, गर्व है मुझे तेरे पे। अरे सर वो सब छोड़ो, आपने बोला था जिसने होमवर्क नहीं किया होगा उसे लॉबी में भेजोगे, इसे भी भेजो तो लॉबी में। और हाँ सर आपने जबान दी थी। ठीक है बच्चों ये ले बेटा वन टैप खा।
और फिर रिवाइव होके अगले क्लास में आ जाना। बाबू मोशाई, तू कब से होमवर्क करने लगा? मैंने मॉनिटर के बैग में से उसी का होमवर्क निकाल के सर को दिखा दिया था। चलो बच्चों लंच ब्रेक, सब लोग अपना अपना लंच कर लो। सर देखता हूँ सब बसेड़ो टिफिन में क्या लाए हैं। अरे वाह स्काइलर, तू तो वड़ा पाव उड़ाया है। ओए नुबड़े, इसे बर्गर बोलते हैं। अरे इसे वड़ा पाव ही बोलते हैं। अरे देखो भाई लोग, आ गया ही ससुरा हमारे सबके टिफिन में नजर डालने। अरे तुम्हारे बासी खाने में मैं क्या नजर डालूं? और भाई लोग तुम नीचे क्यों बैठे हो? अरे बाबा हम डाउन टू अर्थ है ना, इसीलिए हम नीचे बैठ के खाना खाते है। अरे देखो भाई लोग, ये आजम और रेड क्रिमिनल तो खाने के लिए कुछ नहीं लाए, और सिंह खान जी हमें बोलते हैं बासी खाना खा रहे हो। अबे नुबड़े, आदम शासा खाना लेके नहीं आते, दोपहर तक बासी हो जाता है। आदम शासा फ्रेश बनवाते हैं, वो देख हमारा मास्टर शेफ। अरे आदम शासा बताओ क्या खाओगे? मैं सब कुछ बना लूंगा, एवरीथिंग। एक काम कर, कढ़ाई पनीर और परोठे बना, मजा आ जाएगा। और बाबू मोसाई, पनीर तो नहीं है, कढ़ाई खाएगा क्या? अरे यार आज भूख नहीं है, छोड़ो हम वॉशरूम होके आते हैं। टीपू जल्दी आना, फिर मेरे लिए दो प्लेट चटपटे गोलगप्पे बना देना। और सासा, गोला मेरा सूटा था और वॉशरूम आप सोले गए, होमवर्क ना दिखाना पड़े इसलिए। अरे मैं तो कभी होमवर्क नहीं करता हूँ, सर को ऐसे ही रोज बुद्धू बना देता हूँ। अरे सर तो नूब है एक नंबर का, खुद से तो हेडशॉट लगते नहीं और हमें वन टैप मारना सिखाते हैं। अरे कौन गया है इस टॉयलेट में? साला डेढ़ घंटे से बैठा है, बाहर निकल। कैसे कैसे लोग है घर पे हल्के होके आते नहीं और यहाँ के वॉशरूम बिगाड़ते हैं। पर यार एक बात समझ में नहीं आई, मैं तो बच गया होमवर्क से, रेड क्रिमिनल तू कैसे बचा? सासा आज तो मैं बार बार बसा, मैंने मॉनिटर के बैग में से उसी की होमवर्क की बुक निकाल ली और सर को दिखा दी, और फिर सर को मॉनिटर के खिलाफ भड़काया, फिर सर ने उसे वन टैप मार दिया। सर तो बुद्धू है, उसे तो पता भी नहीं चला कि वो बुक रेड क्रिमिनल की नहीं मॉनिटर की थी। नुबड़ो बहुत हो गया तुम्हारा, मेरी पीठ पीछे तुम ये सब बातें करते हो? अरे हम तो पीठ के आगे भी करते हैं, वैसे कौन बोला? नुबड़ो तुम्हारा सर बोल रहा हूँ, तुम सब लोग टेरेस पे जाओ, मैं एक घंटे में आता हूँ। सर आप डेढ़ घंटे से अंदर बैठे हो और अभी भी एक घंटा आपका साबुन स्लो है। हाँ नुबड़ो मिलो मुझे टेरेस पे, अभी बताता हूँ तुमको। येड़ो सर आ गए। हमें पता है सर, आप हमें पनिशमेंट देने के लिए आए हो, पर आप हाथ धो के तो आए हो ना? मैं बहुत हाइजेनिक आदमी हूँ। नुबड़ो आज तुम्हारी वजह से मैंने मेरे बच्चे, मेरा मतलब है मॉनिटर को पीट दिया फालतू में। सर गलती से सच बोल गए। बदतमीज अपने सर पे जोक्स मारता है। और सर मेरे को तो डर लगने लगा, प्लीज मुझे बेड से मौत मारना। नुबड़े तू होता कौन है मुझे बताने वाला? सर ये टॉयलेट मैन के खानदान से है, ध्यान रखना। मैं थोड़ी डरता हूँ इससे, अगर ये टॉयलेट मैन के खानदान से है तो मैं बाथरूम मैन के खानदान से हूँ। सर ऐसी गन क्यों निकाल रहे हो? मुझे ऐसा धक धक हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ तुझे कौन सी गन से वन टैप मारूं, चलो सारी गन से मार देता हूँ। सर रहने दो, मेरा सेल्फ डिफेंस ऑन हो जाएगा तो भारी पड़ जाएगा आपको। AWM का वन टैप मारूंगा। मैंने तो सर को पहले ही बोल दिया था, मेरा सेल्फ डिफेंस ऑन हो जाता है।